उसमें शायर तो नहीं मगर हंसी। जब से देखा सूजा हुआ थोपड़ा, मेरे को सब्जी बनानी आ गई। तो कितने थे? वेलकम है आप लोगों का आज के न्यू ब्लॉग में, और गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी नींद में ही एक्चुअली है तो कुछ भी मुंह से निकल रहा है। तो ये देख सकते हो मेरे बाल कैसे मुर्गे की तरह खड़े हैं। सच्ची में तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अभी आप लोगों ने देखा मैं थोड़ा बहुत सामान लेने गया था एक्चुअली, है ना। तो मैं एक दुकान पे गया ना, तो वहाँ पे एक बच्ची थी छोटी सी, ठीक है। उसने फिर स्टोरी है भाई, स्टोरी है तो है। छोटी सी बच्ची थी, उसने 10 रुपये दिए अंकल को, है ना, और बोला मुझे नहीं इतना बड़ा वाला बिस्किट चाहिए, ऐसे हाथ दिखा के बोला उसने, ठीक है। तो अंकल ने क्या किया, उसको ना पार्ले जी का बिस्किट उठा के दे दिया 10 रुपये वाला। तो वो कहती ये नहीं चाहिए मुझे, मेरे पैसे वापस कर दो। मैंने देख करके ना हैरान रह गया कि बच्चे जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, मतलब उनके पसंद की चीज़ नहीं है तो भाई वो नहीं लेंगे, है ना। हम हैं चलो ये नहीं है तो वो ले लेंगे, है ना। तो हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन बच्चे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो मैं गया क्या था लेने, वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये है बूंदी, ठीक है। तो बूंदी की सब्जी बनाने वाली अंजलि, तो मैं वो लेने गया था, और टमाटर वगैरह ख़त्म थे तो वो भी लेने गया था। तो बूंदी की सब्जी आप लोगों ने बनाई है क्या कभी? या मैं भी बनाया होगा, बट मैंने अपनी लाइफ में, मैं सेकेंड टाइम खाने जा रहा हूँ सीरियसली। एक दिन और अंजलि ने बनाया था और अब खाने जा रहा हूँ। बाकी मैंने तो सुना भी नहीं था ये, है ना। तो बाकी अंजलि के पास आइडियाज बहुत होते हैं, मतलब कुछ भी बना देती है। अंजलि कुछ भी बना देती है, क्या मतलब बना देती है, मतलब बना देती है। सब्जी हर जगह बनता है, इधर पार्टी फंक्शन भी होता है। चुप करो। मुर्गे को ऐसे ऐसे नहीं बोल सकती तुम। तो फ्रेंड्स, एक गाना है जो मैं अंजलि को डेडिकेट करना चाहता हूँ। सुबह सुबह बढ़िया सा गाना अंजलि तुम्हारे लिए। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा सूजा हुआ थोपड़ा, मेरे को सब्जी बनानी आ गई। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि जब से अंजलि आई अपुन ये लाइफ में, अपुन को सारा काम करने आ गया है। सब्जी सारा कुछ बनाने आ गया अपुन को, सही नहीं कह रहा? नहीं, पहले से आती थी मुझे। बट जब से तुम आई हो तब से डिफरेंट तरह की सब्जी आने बनाने लगी है भाई। मैं पहले दाल बहुत खाता था, मुझे दाल अभी भी पसंद है, बट अंजलि को पसंद नहीं है तो ज़्यादा नहीं बन पाता है ना, तो हरी सब्जियाँ ज़्यादा बनती हैं। तो जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था ना, तो इन्जॉय करता था, मतलब कि कुछ भी बना लिया, है ना, मतलब कि नॉनवेज वगैरह ये सब ज़्यादा होता था उस टाइम, बिकॉज मेरे दोस्तों को नॉनवेज ज़्यादा पसंद था, है ना। बट अभी वो सभी अलग अलग हो गए, बिकॉज मेरी शादी होगी सबसे पहले, और उसके बाद एक दो फ्रेंड्स की और हो गई है, तो सब अलग अलग हो गए। बोलो नहीं बोली दो अंजलि, कुछ कह रही थी तुम, हैं, लोगों को भी पता लगे। नहीं बोलेगी। जा रहा हूँ मैं नहाने के लिए, जा रहा। जाओ यार, सुबह सुबह मैं गाने बहुत गा रहा हूँ, ऐसा है ना सर, मेरा फट जाएगा आपके गानों की वजह से। बताना दोस्त, आप कितनी तारीफ करते हैं मेरी आवाज की, ये पाजी इतनी सुंदर तो डीप वॉइस है ना, कितना चंगा तुसी गाना गांदे हो। ते आ देख लो मेरी जड़ी, या आ जड़ी मेरी की है मेरी, दसो माड़ा जा, तुसी नहीं, तुसी दसो की है मेरी। सर का वो बताया था ना मैंने, कल वाले ब्लॉग में नहीं बताया था सर, वही है। मनी कितने अच्छे हैं, मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्हें पता होता है कि मेरा जवाब क्या होगा आगे। वैसे मनी आप बता सकते हो कि आपको कैसे पता? इनको कुछ नहीं होगा ना, तो बस ऐसे करेंगे। इतने साल से मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? मुझे झेल नहीं रहे हो, ठीक है तो झेल नहीं कहते इसको। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं झेलता ही हूँ इसको, है ना। तो अंजलि को झेला हुआ हो गया है, अभी ऑफिस चलते हैं, तो सब जगह झेलना ही होता है ना। बाप रे पसीना देख रहे हो कितना ज्यादा है।
गर्मी सोच लो कितनी ज्यादा है। अब ये पूरा चेहरा जो मेरा गीला गीला सा लग रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो यार ये बताना तो भूल ही गया कि मैं घर पे आ चुका हूँ जॉब से वो ये छुट्टी, और हर रोज की तरह अंजलि का थोपड़ा आज भी फूला हुआ है। तालियां मारो भाई इसी बात पे। फ्रेंड्स ये दो बटन है जो आप लोगों को दिख रहे हैं, तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कुरियर करवा सकता हूँ। मेरे पास एक्स्ट्रा बटन पड़े हैं। कोई हंसी नहीं रहा ये, मेरे पास दो एक्स्ट्रा बटन पड़े हैं, मैं कुरियर कर सकता हूँ। सीरियसली यार अंजलि तुम तो हंस दो, ये बढ़िया सा जोक था ये। मुझे ये उम्मीद नहीं थी वैसे ना, आप लोग की तरफ से भी कोई कमेंट नहीं आ रहा है, सो के मैं ही हंस लेता हूँ। ये मजाक था भाई, मजाक था ये। तो मैं क्या करूँ, मैं किससे जाके बात करूँ अंजलि, अकेले अकेले ना हंस कर मैं किसके पास जाऊँ। तुम बर्तन धो चुपचाप, समझ गई ना। हाँ तो सही बताऊँ आप लोगों को, तो अंजलि आज मेरे लिए बना रही है सेवियाँ। अंजलि आज खुश है तो सेवियाँ खिला रही है, तो आज तो मीठा होने वाला है भाई, मजा आ जाएगा आज। लेकिन गर्मी बहुत है, उसके भी तकलीफ है। वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे बहुत टेंशन हो गई है आज। मनी पूछोगे नहीं? हाँ जी पूछोगे नहीं कि क्यों टेंशन में हो? आपको पता है क्या? बताओ मनी जल्दी बैठ के बताओ। क्या बताऊं मैं? आपका गला कटा हुआ आ रहा है, बैठो तो। गला कटा कहाँ है मैं? यार आप बैठो तो जल्दी। मेरे बारे में क्या क्या बोलती हो? गला कटा ले, कहाँ कटा ले गला? मेरे को ये बताओ, आपको पता है कुछ? पता है? हाँ मेरे को सब पता है। क्या पता है? मनी की ना 3 दिन की छुट्टी होने वाली है। सैटरडे संडे मंडे, बिकॉज मंडे को जन्माष्टमी है और मेरे ऑफिस में छुट्टी नहीं है। 3 दिन तक ऐश है, सिर्फ एक दिन ही। सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, मंडे छुट्टी, 3 दिन की मस्त छुट्टी होने वाली है अपन की। और अंजलि की सिर्फ एक छुट्टी है, वो भी सिर्फ संडे की। मैं कर लूंगी मंडे को भी, टेंशन मत लो मनी। आपको दिक्कत नहीं होने दूंगी। तुम नहीं कर सकती, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? करूंगी मनी, आपको दिक्कत नहीं होने दूंगी, आप टेंशन मत लो। खाने पीने की दिक्कत नहीं होने दूंगी मनी। मुंह बंद करो, मच्छर चला जाएगा। नहीं करूंगी। मोटी वाली मच्छर, ठीक है, वाली मच्छर भैंस के ऊपर जो इतने इतने बड़े बड़े, वही है जो एक बार चिपक जाते हैं। ये कैसी आवाज थी देखा? ऐसे ऐसे दूर किया करते हैं। अभी भैंस का नाम लिया मच्छर, मोटे मोटे मच्छर लोग तो भैंस पे बैठते हैं, उसका नाम लिया भाग गई पतली गली से। भाई मैंने ना बचपन में सीरियसली भैंस के ऊपर देखा है, इतने मोटे मोटे से मच्छर बैठते हैं, और जब आप उसे मारते हो ना तो भाई इतना सारा ब्लड निकलता है, पता नहीं भैंस का गाय का, चूस चूस के बोले मोटे सांड की तरह मच्छर हो जाते हैं, वो वाले मच्छर। वही है ये, वही देखो आज पूछ लिया, चीनी 1.5 साला डाल दूं। और एक हफ्ते तक मैंने चीनी नहीं खाया, तब जाकर ब्लड शुगर टेस्ट कराया मेरा, तो मेरा नॉर्मल आया था। तो आज पूछ लिया चीनी 1.5 सारा डाल दूं? नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए चीनी, मैं फीकी खीर खाऊंगा। रहा हमारा आज का खाना, मनी का पतीला, ये मेरा ठीक है। और इतनी सारी रोटियां, मेरा तो खाना हो गया है, बट अंजलि का अभी तक पूरा पतीला एकदम साफ करके ही मानेगी ये तो मुझे लग रहा है। अंजलि पूरा पतीला ठूस गई है, बाप रे पतीला खा गई है। मुंह कैसे बना रही थी इस लाइन पे? झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ यार, ऐसा थोड़ी ना कि हाँ कि मैं अभी खा ही रहा हूँ और झूठ मूठ के बीच में कैमरा ऑन करके मैं ब्लॉगिंग करने लगा हूँ और मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सारा खाना, सारा खाना यही खा रही है जो मैंने मैश किया हुआ, सिर्फ उतना ही है मेरा, बाकी आपकी का है। मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल भी गया यार, आप लोग को समझ में आया क्या? मैं तो भूल गया। क्या बोलिए, क्या बोलिए अभी तुम? मोंटू से सड़क पर लेट आया, गाड़ी फट गया, गाड़ी गाड़ी का नंबर, अपने गाड़ी का नंबर क्या है यार? मुझे बताना, मोंटू पेट सड़क पर लेट, गाड़ी आई या फट गई गाड़ी? फट गई गाड़ी यार आप गलत। अंजलि मैं बैक करके भी दिखा दूंगा, तुमने बोला था गाड़ी आई फट गई गाड़ी। नहीं, मोटू सेठ सड़क पर लेट आए, गाड़ी फट गया, गाड़ी फट गया, गाड़ी देख आई, गाड़ी फट गया पेट, ऐसे है मोटू सेठ सड़क पर लेट आए, गाड़ी फट गया, गाड़ी फट गया, गाड़ी देख। कुछ नहीं हो सकता। मैं ना आप लोगों को अपनी एक कमजोरी बताना चाहता हूँ, और वो मेरी कमजोरी ये है कि भाई मुझे ना किसी के बर्थडे या किसी की एनिवर्सरी है ना, या
जो भी हो यार, मुझे ये, मैं याद नहीं रख सकता सीरियसली, ठीक है, मुझे अपना याद है और अपना भी बहुत मुश्किल से मैं याद रखता हूँ कि मेरा बर्थडे कब है। दफा हो जा। तो अंजलि से मैं भी पूछ रहा था, अंजलि का भी मुझे इसलिए मुश्किल से याद रहता है बिकॉज इसका मेरा, मेरे बर्थडे से सेम डेट एक महीने पहले इसका बर्थडे है। रणवीर का बर्थडे आएगा ना तो हम आपको याद नहीं दिलाएंगे, देखना इतना कुटवाएंगे ना रणवीर से कुछ कहने। मुझे पूजा का बर्थडे याद नहीं है, है ना, दीदी का भी बर्थडे याद नहीं है, दीदी का, मेरा भी नहीं, दीदी का याद है, एक्सक्यूज मी, दीदी का और मेरा जो बर्थडे डेट है ना वो सेम मंथ में है, ठीक है ना, तो अगस्त में है, मेरा 6 को है और उसके 10 दिन बाद मेरी दीदी का है, ठीक है, तो वो डेट मुझे याद है। और अंजलि का मेरे ही डेट से एक महीने पहले को है ना, तो वो मुझे डेट याद है, बट मुझे पूजा का जून में है पूजा, तो मम्मी पापा की एनिवर्सरी तक मुझे याद नहीं है, बिल्कुल क्लियरली बता दूं, है ना, मुझे वो चीज़ें याद नहीं रहती जो मैं याद नहीं रखना चाहता, है ना। एलियन नहीं हूँ मैं, पवेलियन हूँ, ठीक है, सीरियसली मतलब मेरे लिए ये सब चीजें याद रखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ बिकॉज मेरे पति हू कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।